सिहुका वो छुम नहीं वफादार मुझे मिनिशन छाइलवे समसार मुझे वंदे सर पादन थोंगोश नादन। जिसके अंदर कुछ भी टैलेंट है वो बाहर इस तरीके से ला सकता है, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि मैं मतलब मुझे लगा कि वंस अपॉन अ टाइम जब मैं सिंगिंग नहीं करता था तो अचानक से एक दिन मैं गा रहा था, तो मतलब धीरे धीरे मुझे अपने अंदर ये मतलब लगा कि मैं सिंगिंग कर सकता हूँ। तो अब मैं भी डरता था कि मतलब लोगों के सामने गाना वगैरह, लेकिन अगर मैं इसे छुपाए रखता तो मुझे किसी और फील्ड में जाना था, इंजीनियरिंग, जो मेरे लिए मे बी बर्डन हो सकता था। तो मेरे हिसाब से उनको वो वे चुनना चाहिए जिनमें उनका इंटरेस्ट भी है और उनको मज़ा भी करने में आए। मेरा नाम इशरत हुसैन शाह है, मैं बुट्समा रफ़ियाबाद बारामुल्ला से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी क्लास 10th में पढ़ रहा हूँ। म्यूज़िक में आते हुए अभी मुझे 2.5 साल हो गए, लेकिन जो हमारी मतलब एंसेस्ट्रल्स है, मेरा ख़ानदान है, वो म्यूज़िक के साथ ही वाबस्ता है। जिस गांव में मैं रहता हूँ वहाँ पे 80% जो मतलब आबादी है वो म्यूज़िक के साथ ही वाबस्ता है। अभी तक मैंने बहुत सारी जगहों पे पार्टिसिपेट किया है, श्रीनगर में बहुत सारी जगहों पे, जम्मू में यूथ फेस्टिवल दूरदर्शन पे किया है, टाइगर हॉल में 2-3 बार हमने किया है, आदिल सर के साथ एक बार किया, आदिल मंजूर शाह साहब के साथ, और आज फिर से लतीफ़ साहब के साथ मौका मिला यहाँ पे, और तारिक शीरा साहब के साथ इवेंट्स करते रहते हैं। कश्मीर में प्लेटफॉर्म की कमी है, लेकिन मैंने भी स्टार्ट किसी बड़े प्लेटफॉर्म से किया नहीं है, मैं भी सोशल मीडिया से ही आया हूँ। तो मेरे हिसाब से आज का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो खुद सोशल मीडिया है। चैन लो लिच दादरी मेरे तुम दर्दो गम तैनाल जरी मेरे तुम चैन लो लिच दादरी मेरे तुम। मैं कश्मीरी फोक सॉन्ग्स गाता हूँ, उसके पीछे जो वजह है, क्योंकि आजकल मतलब आप देख रहे हो कि कश्मीरी म्यूज़िक को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन वेस्टर्न के इंस्ट्रूमेंट्स में, जबकि मैं चाहता हूँ कि कश्मीर की लैंग्वेज भी प्रमोट हो, म्यूज़िक भी प्रमोट हो, लेकिन कश्मीर के इंस्ट्रूमेंट्स भी प्रमोट हो। जो आजकल बहुत बड़ा मसला है कि गिटार इस्तेमाल किए जाते हैं, ड्रम्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो जिस वजह से हमारा जो कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट है वो ख़त्म हो रहा है। घर वालों का तो फुल सपोर्ट रहा, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि मैं ऐसे खानदान से बिलोंग करता हूँ जो म्यूज़िक के साथ वाबस्ता है, लेकिन अब क्या होता है कि पढ़ाई साथ साथ रखने को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मैं वही सोच रहा था कि मैं सिंगिंग में ही आगे कंटिन्यू करूं और सिंगिंग ही सब्जेक्ट भी लूं।